हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी गाइस टाइम 1 बज रहे हैं, इसीलिए गाइस गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। और गाइस आज अचानक से हम लोगों का मेरी नानी जी के घर पे जाने का प्लान बना है। एंड गाइस बस अभी हम लोग जा ही रहे हैं, मैं रेडी वगैरह हो चुका हूँ अभी अच्छा से ब्रेकफास्ट करके एंड नहा धो के। और गाइस बाय द वे गाइस आज मैं ब्रेकफास्ट में मेथी की पूड़ी एंड धनिया की चटनी खाया हूँ। और गाइस बस अभी हम लोग निकलेंगे, सो गाइस चलिए अभी हम लोग चलते हैं मेरी नानी जी के घर पे। एंड गाइस हाँ, एक चीज और, मैं अपना गाइस मोबाइल भी लेके चल रहा था कि गाइस मैं उधर में जाके व्लॉग वगैरह बना सकूं, इसीलिए। सो गाइस अभी हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं। सो गाइस अभी हम लोग मेरी नानी जी के घर पर भी पहुंच चुके हैं। और गाइस अभी टाइम भी दिन के 2:30 बज चुके हैं। एंड गाइस सॉरी आप लोगों को थोड़ी वॉइस क्वालिटी खराब आ रही होगी, क्योंकि गाइस इधर मैं अपना बोया वाला माइक नहीं लाया हूँ, इसीलिए गाइस। और गाइस अभी हम लोग को इधर आने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, हम लोग गाइस 1 बजे निकले थे घर से। एंड गाइस अभी 2:30 बज चुके हैं। और गाइस मैंने आप लोगों को हावड़ा स्टेशन के ऊपर से जो गाइस ब्रिज से व्यू दिखता है बहुत ही अच्छा सा, ट्रेन वगैरह का वो सब गाइस मैंने आप लोगों को व्यूज भी सारा व्यू भी दिखाया कैमरा में। आई होप कि गाइस आप लोगों को सब व्यू पसंद आया होगा। और गाइस अभी मेरे को इधर में आके लूसी की बहुत ज्यादा याद भी आ रही है, क्योंकि गाइस वो रोज आती है ना, उसके किटेंस की तो गाइस आ ही रही है, लेकिन गाइस आज उसकी भी आ रही है, क्योंकि गाइस हम लोग तो इधर आए हैं, इसलिए गाइस मैं लूसी से नहीं मिलने पा रहा हूँ। खैर गाइस लूसी सुबह 6:30 या 7 बजे आई थी, लेकिन गाइस उस टाइम से नहीं मिल पाया, क्योंकि गाइस उस टाइम तो मैं गहरी नींद में सोया था, इसलिए ठीक है गाइस कोई बात नहीं, जब हम लोग शाम या रात तक जाएंगे घर में तब मैं उससे मिल लूंगा, अगर वो आई हुई होगी तो। एंड गाइस फिर उसके बाद जो है गाइस बस मैं कोई क्लिप वगैरह नहीं बनाया। एंड गाइस उसके बाद बस हम लोग शीतला जी का एक इधर में पंडाल बना हुआ था, उसको गाइस हम लोग देखने जा रहे हैं। एंड गाइस सच में पंडाल काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। सो गाइस मैं सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी शीतला माता की मूर्ति के दर्शन करा देता हूँ आप लोगों को भी। और गाइस आप लोग देखिए कितनी बड़ी और कितनी विशाल मूर्ति है, सच में गाइस मैं तो जिंदगी में पहली बार देखा हूँ शीतला माँ कितनी बड़ी सारी मूर्ति। एंड गाइस आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, देखिए गाइस साइड में जो कलश की माला है वो कितनी बड़ी बड़ी गाइस उसमें कलश है। एंड गाइस माता रानी के हाथ में झाड़ू है, सच में गाइस अति सुंदर मूर्ति है। एंड गाइस आई होप कि आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पंडाल और मूर्ति अच्छा लगा होगा। एंड गाइस फिर बस उसके बाद हम लोग घर के तरफ जाने लग गए। एंड गाइस हम लोग फिर ऑटो एंड बस वगैरह पकड़ के घर आ गए। सो गाइस अभी हम लोग मेरी नानी जी के घर से भी आ चुके हैं वापस अपने घर पर। और गाइस अभी टाइम जो है, हाँ गाइस अभी टाइम जो है 8:04 हो चुका है। एक्चुअली गाइस हम लोग को उधर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। एंड गाइस उसके बाद भी जो है फिर मेरी नानी जी बोली कि गाइस उधर में जो एक बहुत ही सुंदर शीतला माता का पंडाल बना हुआ था, फिर गाइस हम लोग शीतला जी की मूर्ति भी देखने गए। एंड गाइस मैंने आप लोगों को व्लॉग में भी दिखाया एडिटिंग करते टाइम, गाइस मैं थोड़ा वॉइस ओवर कर दूंगा, क्योंकि गाइस फिर निकलते टाइम मैं कोई क्लिप वगैरह उधर नहीं बनाया था, इसीलिए गाइस थोड़ा मैं वॉइस ओवर कर दूंगा पीछे से। और गाइस फिर उधर हम लोग मार्केट में घूमे, काफ़ी सारे फ्रूट्स वगैरह दिए। एंड गाइस मेरे लिए 2 पैंट भी लिए। चलिए गाइस अभी पहले मैं आप लोगों को मेरे पैंट्स दिखा देता हूँ। सो गाइस अभी आप लोग देखिए यही वाले हम लोग पैंट लिए थे, एक तो गाइस नॉर्मल पजामा टाइप का है जिनको गाइस मैं पहन के भी देख चुका हूँ। एंड गाइस सच में ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड गाइस ये जो है ट्रैक पैंट है। एंड गाइस ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो गाइस मैंने आप लोगों को मेरे दोनों पैंट्स भी दिखा दिए हैं। अभी गाइस मैंने आप लोगों को मेरे पैंट भी दिखा दिए हैं। एंड गाइस हम लोग बस ऐसे ही नॉर्मली घूम रहे थे फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, तब गाइस एक छोटी सी दुकान थी वो गाइस उसके बाहर में भी गाइस वो स्टॉल वगैरह छोटी सी लगा रखा था। एंड गाइस अंदर में उसकी दुकान थी। सो गाइस उधर में मेरे को 2 अच्छे लगे, इसलिए गाइस मैं ले लिया। एंड गाइस सच में दोनों ही पैंट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड अच्छे हैं। एंड गाइस हाँ अभी गाइस लूसी भी नहीं आई है, देखते हैं गाइस हो पाता है थोड़ी देर में लूसी आ जाए। खैर गाइस लूसी आएगी तो उसे मेरे को पता है पक्की बात है रात तक लूसी आएगी ही आएगी।
और गाइस अभी जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, एंड गाइस मैं थक भी बहुत ज़्यादा गया हूँ, एंड गाइस अभी पूरी एडिटिंग बाकी है, सब कुछ बाकी है गाइस, मेरे को रात को सारा कुछ काम करना है। एंड गाइस अभी जो है मैं ग्रेप्स खाऊंगा, हम लोग ग्रेप्स लाए थे, सो गाइस अभी मैं ग्रेप्स खा लेता हूँ, एंड गाइस उसके बाद मैं आप लोगों को मिलता हूँ। सो गाइस अभी मैं ग्रेप्स भी खा लिया हूँ, एंड गाइस ग्रेप्स सच में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे, मीठे भी नहीं थे, एंड गाइस खट्टे भी नहीं थे, खट्टे मीठे ग्रेप्स थे। और गाइस हाँ, जो गाइस आज मैंने आप लोगों को ब्लॉग में शीतला जी दिखाई, सच में गाइस वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी शीतला जी की मूर्ति थी, एंड गाइस वो आई थिंक 11 डेज़ के लिए उधर बैठी है, मेरी नानी जी गाइस ऐसे ही बोल रही थी, वो 11 डेज़ के लिए बैठी है उधर में, एंड गाइस सच में बहुत ही सुंदर शीतला जी की मूर्ति थी। आप लोग गाइस देखिएगा ध्यान से मूर्ति को, एक एक कलश मूर्तियाँ कितने बड़े बड़े थे, मेरे को तो गाइस देख के सच में मज़ा आ गया, एंड गाइस मैंने आप लोगों को भी दर्शन करा दिए हैं। और गाइस बस और क्या गाइस, सब लूसी आएगी रात को, तो रात को आएगी गाइस, एंड गाइस बस आज के इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड कर देता हूँ, अभी मेरे को भी नहीं पता गाइस आज मैं डिनर में क्या खाऊंगा। सो गाइस अगर आज के व्लॉग आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल मैं आप लोगों को मिलता एक न्यू व्लॉग के साथ, टिल देन टाटा बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।